प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, कुछ वो सुनते हैं। हो सकता है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी हमें भूकंप जैसी आपदाओं का पूर्वानुमान भी संभव कराएं। संक्षेप में, टेक्नोलॉजी ने मानव के अस्तित्व को ही प्रभावित किया है। टेक्नोलॉजी ने क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक ऊंचे धरातल पर पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। विकास का एक पहलू यह भी है कि पाषाण युग से औद्योगिक क्रांति के सफर में हजारों लाखों साल गुजर गए। उसके बाद संचार क्रांति तक सिर्फ 200 वर्षों का समय लगा और वहां से डिजिटल क्रांति तक का फासला कुछ ही सालों में तय हो गया। अब टेक्नोलॉजी विचार की गति से बदल रही है, यानी एट द स्पीड ऑफ थॉट। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी नहीं रही, आविष्कार आवश्यकताओं को जन्म दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव चेंज का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी की सुलभता और उसके प्रसार ने आम आदमी का सशक्तिकरण किया है और इस एम्पावरमेंट को मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस से और उस राह को एक बढ़ावा मिला है। ई गवर्नेंस का ई फर्स्ट लेटर ई दरअसल इफेक्टिव एफिशिएंट इजी एम्पावर और इक्विटेबल का पहला अक्षर है। फ्रेंड्स, 2000 वर्ष से भी पहले भारत के एक महान चिंतक और स्ट्रेटेजिस्ट कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी। अन्य विषयों के अलावा उन्होंने प्रशासन की जिम्मेदारी बताई और उन्होंने कहा, राज्यो ही व्रतम उत्थानम, यानी सरकार को, शासक को विकास के लिए व्रत लेना चाहिए। मेरे विचार से सरकार की एक बड़ी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि टेक्नोलॉजी की ताकत का उपयोग जन जन के विकास के लिए हो और इससे नागरिक सुविधाओं में गति और सुलभता आए। मेरा यह भी मानना है कि टेक्नोलॉजी में प्रगति से उत्पन्न परिवर्तनों और चुनौतियों के प्रति भी सरकारों को सजग रहना चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी का उपयोग रचनात्मक बना रहे। टेक्नोलॉजी वो तोहफा है जिसके यूजर मैनुअल में नैतिक मूल्यों का जिक्र नहीं होता है। इसलिए मनुष्य प्रगति के साजो सामान को कभी कभी विनाश और विध्वंस का साधन बना लेता है। साइबर स्पेस का रेडिकलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कुछ लोगों द्वारा टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग का उदाहरण है। तमाम तरक्की के बावजूद दुनिया से गरीबी और कुपोषण खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर धन, समय और संसाधन का बड़ा हिस्सा मिसाइलों और बमों की क्षमता बढ़ाने में लग रहा है। हमें सचेत रहना होगा कि हम टेक्नोलॉजी को विकास का साधन बनाए, विनाश का कतई नहीं। टेक्नोलॉजी मनुष्य की नैसर्गिक सामर्थ्य को बढ़ाए, उसे घटाए नहीं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे लगता है
कि मानव टेक्नोलॉजी को प्रकृति के पर विजय का ही नहीं उससे संघर्ष का साधन बनाने की भूल कर रहा है। इसकी कीमत बहुत भारी है। मानवता के भविष्य के लिए हमें प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं सहजीवन का रास्ता चाहिए। भारत ने योग जैसी समग्र और संतुलित जीवन पद्धति से स्वास्थ्य और प्रकृति के साथ सहजीवन का रास्ता दिखाया है। आज के समय में इस रास्ते पर 6 महत्वपूर्ण कदम हैं।